मिले क्या कल मेरा फ्रेंड्स. Now the time of gossip. My talk like a gossip. There is no any lecture or this or that. I want to share my experience with you. I enjoy with you. So little bit I am trying my best. But it is not a lecture. Remember it. First, I want to talk in Hindi. Then later I will explain in English. Because my native language is Hindi, so starting I want to say something in Hindi. It goes very deeper also because of my native language. Then I can explain in English also. So for excuse, somebody ask question. But question should be related with your own, not philosophical. Just this moment, what is your problem in this moment? Mostly this moment nobody has problem. Surprise. I know very well actually, because problem comes from past or for future. But when I touch the people, then ask, what is the problem here and now? Then nobody can explain anything. But it's okay. For sharing, you can say something. You can ask something. Then I will try my best. Yes. बोलिए. ओशो के लाखों दीवाने में अपनी अपनी कथा होती है कि किस तरह ओशो ने उनको खींचा अपनी ओर. और आपकी भी जो कहानी एक बड़ी विशिष्ट होनी चाहिए जो हम भक्ति से और प्रेम से सुनना चाहते हैं कि आप भी किस तरह ओशो से खींचे और किस तरह ओशो के पास पहुंच गए. ये कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक समझ रहा हूँ, एक पवित्रता से सुनना चाहते हैं. क्या बात है. अब ये प्रश्न तो नहीं है सच में. नहीं, तो प्रश्न नहीं. थोड़ा जब बात मेरे पे ही आ जाती है तो थोड़ी सी परेशानी जैसी होने लगती है. Can I translate this question for in subject, English? Subject? क्या? English में questions आपको बोल दूँ एक बार पहले? Question नहीं है. Question. No, he was asking about my life. How can I visit with Osho? So he want to little bit story about me actually. And this is not a question, but it's okay. देखिए, ये बात बिल्कुल मेरे अनुभव की है कि शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ सकता है, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है. उसकी आंख हम पे पहले पड़ती है, बाद में उसकी आंख के प्रकाश में हम कैसे देख सकते हैं सदगुरु को, क्योंकि हमारी आंखें अंधी हैं. हम बिल्कुल अंधे हैं. जैसे मेरा ही जीवन समझिए, इट वॉज टोटली ब्लाइंड. लेकिन जो मुझे अनुभव है वो तो अद्भुत है. देखिए, मैं आपसे कहूं, आपको मिरेकल जैसा लगेगा, थोड़ा
भरोसा ना आए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। बुद्ध एक बात कहते थे कि मनुष्य के चार भाग्य हैं, भाग्य मनुष्य के, मनुष्य चार भाग में होता है, चार भागों के साथ होता है। तो वो कहते थे पहला भाग्य जो है हमारा वो है कि हम किसी सदगुरु की मौजूदगी में पैदा हों जब उसका मिशन चल रहा हो, जब उसका वैभव चल रहा हो और हमारा कहीं जन्म हो जाए, हम उस काल में पैदा हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भाग्य तो शायद हम सब लेकर पैदा हुए, जैसा मैं देखता हूँ आपको, एक भाग्य तो सबके पास है कि उस महापुरुष की प्रेजेंस में आपका जन्म हुआ, और दूसरा भाग कि उसकी हम पे कृपा हुई, उत्प्रेरणा हुई और हमने उसको थोड़ा सा देख पाया, थोड़ा सा हमें दीदार हुए, एहसास हुआ कि कोई महापुरुष है धरती पे, ऐसा सिर्फ एहसास हुआ, ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग कि हम उसके चरणों में समर्पित हो गए, ये तीसरा भाग। और चौथा भाग है कि हम उसमें मिट गए, हम उसमें खो गए, हम खत्म हो गए, खो गए। तो मित्रों, मुझे ये चारों भाग प्राप्त हुए, बड़ी कृपा हुई है, ये चारों भाग पूरे के पूरे, कुछ भाग आपको भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी ऐसी कृपा रही है कि ये चारों भाग मुझे प्राप्त हुए। जब आप किसी सद्गुरु के समय में पैदा होते हैं तो सद्गुरु काम करना उसी क्षण आप कर देता है, उसी क्षण, आपको पता हो या ना हो, क्योंकि भाग्य तो आपका बाद में बनेगा, पहले वो काम करना, क्योंकि उसके काल में तुम पैदा हुए। तो अभी एक तरह से देखें तो सारी मनुष्य जाति के लिए कुछ वरदान सिद्ध हुआ है, जो मनुष्य जाति आज है मैं समझता हूँ वरदान सिद्ध हुआ उनके लिए कि वो ऐसे काल में है जिसमें किसी महापुरुष का अवतरण हुआ है और उसने धीरे धीरे जिनको छुआ है वो और भाग्यशाली हैं, आप और हम सब भाग्यशाली हैं। मुझे जो एहसास हुआ, ये बात की बातें हैं, देखिए सब पहले तो सब अंधेरा ही होता है, सब चीजें अंधेरे में होती गई, कुछ पता नहीं कैसे कैसे होती गई, कुछ पता नहीं लगा कि ये कैसे। एक आश्चर्य, जब उनके चरणों में मैं पहुंचा, पहली भेंट हमारी हुई, तो मुझे आश्चर्यों का आश्चर्य लगा कि ये घटना घटी कैसे। और उनके चरणों में पहुंचने में माँ लक्ष्मी का बड़ा हाथ, बड़ा प्रेम रहा, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे काफी दूरी पे रहते थे, बहुत सारी व्यवस्था समस्या रहा करती थी, तो हमने सन्यास को पोस्ट से मंगाने की कोशिश की थी। तो लक्ष्मी ने एक पत्र लिखा कि जीवंत परमात्मा के सानिध्य में बैठने का ये सुंदर मौका है, आप ये मौका ना खोएं, कृपया आप पुनः आ जाएं। बस वो तीर की तरह वो बात घुस गई, पूरे प्राणों में घुस गई मेरे, तीर की तरह। और देखिए जब वो संकल्प जगा तो सब व्यवस्था अपने आप हो गई और मैं उनके चरणों में पहुंचा।
वो बात गहरी होती उनके चरणों तक ले गई मुझे, और जब मैंने दर्शन किए उनके चरणों में, तो आप आश्चर्य करोगे, जो लक्ष्मी कह रही थी वो मुझे एहसास हुआ कि ये जीवंत परमात्मा है, और इस परमात्मा के चरणों में आने का बड़ा सौभाग्य घट गया। अब सारा खेल उन्हीं का है, देखो बुलाया भी उन्हीं, और मैं तो ऐसा कहता हूं कि मेरा जन्म भी उनकी कृपा से हुआ इस युग में, उनने जन्म से संवारा, जन्म से। अब ये बात की बातें कह रहा हूं, जब मेरे जीवन में कुछ क्रांति घटी, कुछ समझ घटी, कुछ बोध घटा उनकी कृपा से, तो मैंने देखा कि मेरा जन्म भी उनकी कृपा से हुआ। जिस घर में मुझे पैदा होना चाहिए ठीक मैं उसी घर में पैदा हुआ, जिस वातावरण को मेरे को जरूरत थी उसी वातावरण में मेरा सारा जीवन गया, जैसी पत्नी मुझे आवश्यक थी वैसी पत्नी मिली, वृत्ति भर इधर से उधर नहीं, जैसे मित्र मिलना चाहिए वैसे मित्र। अब लौट के जब मैंने देखा एक एक चीज को, तो एक एक कड़ी जुड़ी हुई पाई, जैसे कोई पीछे से समार के चल रहा हो, उसने पूरा का पूरा मुझे समारा, ऐसे समझिए बड़ी कृपा हुई। और धीरे धीरे करते 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 उनसे पहचान बहुत अच्छी होने लगी। जब पहली मुलाकात हुई तो सच पूछो तो पहली मुलाकात में ही काम हो गया था। और सदगुरु कुछ ऐसे होते हैं कि पारस पत्थर होते हैं, पारस, और सुना तो ऐसा है कि पारस से सोना बनता है, लेकिन सदगुरु कोई ऐसी घटना है कि पारस से पारस ही बनाते हैं, वो इससे कम में छोड़ेंगे नहीं आपको, इससे कम में कोई नहीं छूटेगा, आप आश्चर्य करेंगे। उसके प्रेम में अगर तुम पड़ गए, जैसे ये शरीर पड़ा, ये मन पड़ा उसके प्रेम में, और उसके प्रेम ने जो जीवन का रन दिखाया, जो ढंग दिखाया, जो घुंघरू बांधे मेरे जीवन में, आज मुझे 36 साल हो गए, इस बात को, इस मस्ती को जीते जीते, और 36 साल में मैं सारे मुल्कों में गया हूं और बहुत लोगों से मुलाकात, और बस मैं एक ही बात शेयर करता हूँ, उनकी मौजूदगी, उनकी मौजूदगी बनी ही रहती, सतत बनी रहती, और मुझे उनकी मौजूदगी शेयर करने में बहुत आनंद आता। जैसे मेरे जीवन में मेरे पास कोई समझ नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, उनको ही पढ़ लिया सीधा किताबों में उलझा नहीं, और गोरख धंधों में भी नहीं उलझा, मैं सीधा का सीधा मर गया हूं, ऐसे समझिए। उन चरणों में मरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनने मिटा दिया। ये तो मैं कह रहा हूं मैं मर गया, मैं क्या खाक मर मर सकता हूं, उनने ही मिटा दिया। कि कोई चीज अपने से थोड़ी जलती है, अग्नि ही जलाती है, कोई चीज अपने से थोड़ी जलेगी, लेकिन अग्नि हर चीज को जला देती है। तो सदगुरु कुछ ऐसी अग्नि का नाम है कि वो परवई अग्नि परवा करती क्या, कि तुम आड़े हो कि टेढ़े हो, कि तुम काले हो कि पीले हो, कि गीले हो कि सूखे हो, अग्नि सब दग्ध कर देती है, राख कर देती है। बस प्रेम की आवश्यकता है। अगर सदगुरु से प्रेम जुड़ता है तो तुम मिटोगे। अब होता क्या है कि लोग कुछ पाने चलते हैं, ये यात्रा पाने की तो है नहीं, देखिए ये यात्रा पाने की बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये पाने की यात्रा नहीं, ये खोने की यात्रा है, और आदत पड़ी है पाने की। मजा देखो, हमें आदत क्या पड़ी है कि हम सतगुरु से मिलेंगे कुछ पा लेंगे, तुम कुछ पा नहीं सकते। अगर कुछ पाने की बात वो कहते भी हैं
तो ये समझना आपको आटे में कांटे में आटा डालती क्योंकि ऐसे तुम आओगे क्योंकि तुम्हें एक ही भाषा आती है पानी की, दूसरी भाषा तुम जानते नहीं कि कुछ पाएंगे कुछ और नहीं तो आनंद पाएंगे मस्ती पाएंगे लेकिन कुछ पाएंगे जरूर। और जब तक जे पाने की बात तुम्हारे चित्त में बैठी है तब तुम पाने के धोखे हो सकते हैं तुम्हें, तुम पा नहीं सकते क्योंकि वो अधूरे में तो छोड़ता नहीं है, वो तुम्हारी ऐसी तृप्ति तो करता नहीं है, अधूरे में नहीं छोड़ता, वो तुम्हें समूल बटाते हैं। तो अगर तुम उनके प्रेम में सच में पड़ गए सच में तो तुम्हें कानों कान खबर नहीं होगी कि तुम कैसे मिट रहे, तुम्हें इसका बोध ही नहीं होगा और तुम रोज रोज मिट रहे। और जो तुम्हें मजा आता है ना वो कुछ होने का नहीं है, वो कुछ मिटने का है। जैसे जैसे तुम मिटते हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में आनंद की बरसात होती है। हम आनंद को सीधा नहीं पा सकते, ये मिटने का परिणाम है। जैसे जैसे तुम मिटोगे वैसे वैसे आनंद का आविर्भाव होगा आपके जीवन में, रशो पीसा होगी, लेकिन शर्त मिटने की है। आपको मिटना है और आप क्या मिटोगे, आप बस प्रेम में हो जाओ। हमें मिटना भी कहाँ आता है, अगर मिटना आता तो फिर तो बात दूसरी होती। तो सदगुरु मृत्यु है, इतनी तैयारी चाहिए, ऐसा समझिए इतनी तैयारी चाहिए कि मिटने की तैयारी चाहिए। और जो उनके चरणों में मिट जाते हैं उनका ही जीवन धन्य होता है। अब चूंकि ये बात आप मेरी पूछ रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बड़ा मुश्किल मामला है क्योंकि है तो इतना आनंद का मैं आपसे रात भर दिन भर बोलता रहा, उसकी महिमा गाता रहा, अलग अलग तरीके से महिमा गाता रहा। ये ऐसा हुआ भी है मेरे जीवन में, मैं 36 साल से यही काम कर रहा हूँ, उनकी महिमा गाता रहता हूँ और आपको फुसलाता रहता हूँ। देखिए अब दोहरे काम है मेरे, उसकी महिमा गाना और आपको फुसलाना। और धीरे 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 अगर आप